नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन की, जो मेरा ही नहीं बल्कि सब लोगों का फेवरेट मूवी एक्सप्लेन चैनल है। और इसका लोगो जो पहले था हमें बहुत प्यारा था, पर अभी इसको चेंज कर दिया गया है, लेकिन मूवीज़ वही हैं। और सब लोग ये जानना चाहते थे कि इस जादुई आवाज़ के मालिक कौन हैं। मैंने इस पर पहले भी दो वीडियो बनाए हैं, इसके बैकग्राउंड म्यूज़िक को लेकर, फेस रिवील वीडियो को लेकर, और कई सवाल भी उस पर उठे, उस पर भी मैंने एक रिप्लाई वीडियो बनाया था। और बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन ने मेरे इन वीडियो में से एक को थैंक्स अ लॉट लिखकर अपने चैनल पर मेंशन भी किया था। रोनित सर, जो कि इस चैनल को आवाज़ देते हैं, ऐसा मैंने बताया था क्योंकि इंस्टा पर उनका फ़ोटो लगा था। इसके आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची थी। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन के ओनर का नाम, इसके फेस रिवील, वॉइस एक्टर के बारे में हर कोई जानना चाहता है। गूगल तक इस पर क्वेश्चन लिखे रहते हैं। लेकिन आजकल कुछ और बातें मुझे सुनने को मिल रही हैं। मेरे उस वीडियो पर कमेंट्स आ रहे हैं कि ही इज़ नो मोर, कोविड में उनकी डेथ हो गई है, इस तरीके के लोग कमेंट्स कर रहे थे। तो मैंने रोनित सर के इंस्टा अकाउंट पर जो कि यूट्यूब पर मेंशन है, वहाँ DM किया है, वहाँ पर ये बताया। उन्होंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, लोग ऐसे ही उल्टे सीधे मैसेज करते हैं। और मैंने इसलिए ये वीडियोस फिर से डाले हैं क्योंकि उनकी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं थी। दोस्तों, किसी भी एक बड़े चैनल के पीछे पूरी टीम का हाथ होता है। वॉइस एक्टर अलग होते हैं, बहुत सारी टीम काम करती है, तो ये कहना मुश्किल होगा कि मुझसे किसने बात करी थी। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई जो भी मैंने सुना। अगर सर ठीक हैं तो हमें इससे ज़्यादा खुशी और कुछ हो ही नहीं सकती। हालांकि इंस्टा अकाउंट से अब उनका ये जो फ़ोटो है वो हटा दिया गया है और BSS का नया लोगो लगा दिया गया है, पुराना लोगो भी हटा दिया गया है। लेकिन जो भी है, हमें उनकी मूवी एक्सप्लेनेशन से प्यार है और हमें इतनी ही खुशी है कि वो ठीक हैं। लेकिन मेरा ध्यान गया पुराने कमेंट्स में, जिनमें एक लेडी ने कमेंट किया था, ऐसा लगता था कि वो लेडी रोनित सर को बहुत अच्छे से जानती है। उन्होंने उनकी खूबियों के बारे में बताया था कि वो फिटनेस ट्रेनर भी हैं और एरोबिक ट्रेनर भी हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, साउथ इंडियन मूवीज़ में डबिंग करते हैं वो मूवीज़ के लिए, और दिल्ली के रहने वाले हैं, और बहुत सारी उनके बारे में जानकारियाँ दी। ये भी कहा कि वो नई नई चीज़ें लेकर आना चाहते हैं चैनल पर, इसलिए वो अभी थोड़े दिन का ब्रेक ले रहे हैं। और मैंने उनसे जब बोला कि आपको उनके बारे में बहुत सारी जानकारी है कहाँ से, तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने ये भी बताया कि आज उनका बर्थडे है। जब मैं उनके चैनल पर गई और मैंने देखा तो वहाँ पर कोई वीडियोस नहीं थी, अबाउट सेक्शन में उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, केवल उनका नाम सीमा सांकेश्वरी लिखा हुआ था। बहुत सारे लोग मुझे इस बारे में कहते हैं कि आप गलत जानकारी दे रही हैं, आपको ये सब बातें कैसे पता और इसका क्या प्रूफ है। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन की पहचान एक आवाज़ से है, और इंस्टा पर एक तस्वीर उसको वजूद देती थी। और जब मैंने इंस्टा पर DM किया तो रिप्लाई भी आया। जितनी जानकारी मुझे थी उतनी मैंने आपको दी, और हमारे लिए ये इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती। मन की संतुष्टि के लिए इतना ही काफ़ी है। कैसा लगा आपको वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन बाय बाय।